अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो लोहे के पौदान के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये 14 किलो का भारी पौदान है लोहे का। इससे पहले भी हम लोहे के पौदान पे वीडियो बना चुके हैं 8 kg पे, 11 kg पे, और उषा का भी पौदान आया था लगभग 10 kg का, उस पर भी बना चुके हैं। पर यह सब में सबसे बेहतरीन स्टैंड है, जो 3 पाइप में है, वज़नदार है, और अम्ब्रेला मशीन और घरेलू मशीन दोनों में ये स्टैंड चलता है। खुलिया, इसकी साइज़ भी बड़ी है, अम्ब्रेला साइज़ का पूरा होता है, लंबा पौदान होता है ये, तो आप अम्ब्रेला मशीन में भी चलाएं कोई दिक्कत नहीं है, और घरेलू मशीन में भी चलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में इसमें टूटने का कोई ख़तरा भी नहीं रहता है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से बहुत दूर दूर मशीनें भेज रहे हैं, तो कांति के पौदान में ही शिकायत आ जाती है कस्टमर से कि सर पौदान आया है, पौदान टूट गया। तो पौदान टूट जाता है तो उसकी गैस से वेल्डिंग करानी पड़ती है, और ऐसा लोहे का अगर पौदान है तो ये ट्रांसपोर्टेशन में अगर पटक भी जाएगा तो भी टूटेगा नहीं। बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग में भी रहेगा। ये आप देखिए, इसका लोहे का ये पूरा पैडल है और वज़नदार पैडल है, पूरी लोहे की शीट की पैडल बनी हुई है फ्रेंड्स। ये इसका पूरा नीचे का लेग है, अभी जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं आपके सामने दिखाएंगे आपको हम। देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 3 पाइप में पौदान भी है, इसलिए इसका वज़न और आपको ज़्यादा मिलेगा। जो इससे पहले जो हम लोग बनाए हैं वो सब 2 पाइप में ही पौदान होते थे, और ये आपका 3 पाइप का पौदान होता है और भारी होता है फ्रेंड्स। ठीक, ये इसका चक्का है, पूरा लोहे का ये चक्का भी दिया हुआ है, और डबल बेयरिंग का ये रॉड इसमें देता है, और ये रॉड भी फ्रेंड्स लोहे का है। जो इसमें कम रेट के आप पौदान देखेंगे उसमें प्लास्टिक का, ऊपर का भी मटेरियल प्लास्टिक होता है, नीचे भी प्लास्टिक का बना होता है, तो बीच प्लास्टिक से टूट जाता है। पर इस लोहे के रॉड की खासियत ये है कि अगर ज़बरदस्ती और ज़्यादा ताकत से भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये टूटेगा नहीं। देखिए फिनिशिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। तो हम तो अपने सभी व्यूअर्स से और कस्टमर से यही रिकमेंड करेंगे कि आप जब भी पौदान ख़रीदें ये लोहे वाला पौदान ही ख़रीदें। अगर आपको हमसे माल मंगाना है, दूर माल हमें भेजेंगे आपको हम, तो इसमें टूटने का आपको फिर कोई ख़तरा नहीं रहेगा। बाकी आप अगर लोकल अपने क्षेत्र से ख़रीद रहे हैं तो आप कांति का भी ले सकते हैं, फिर उसमें टूटने का कोई रिस्क नहीं रहेगा। पर दूरी से अगर आप मंगा रहे हैं तो फिर आप लोहे का ही मंगाएं। अब देखिए ये आपने रबर यहाँ लगा देना है, रबर लगा के इसकी चूड़ी बनी हुई है, इसको आप वहीं से टाइट कर लीजिए। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स इंस्टॉल करने का भी तरीका आपको साथ में बता दे रहे हैं, ताकि जो है आप अगर ये स्टैंड परचेज करते हैं तो इसको आप आसानी से कस भी लें। इसको कसना ऐसे बहुत आसान है फ्रेंड्स। मोटी मोटी पाइप है इसमें,
यह रबर को आप अपने हिसाब से जितना हाइट ऊंचा रखना चाहे नीचा रखना चाहे रख सकते हैं। अगर ज़मीन पे रखने पे यह थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अगर होता है तो आप यहाँ से इसको जिस साइड भी ऊपर नीचे हो रहा है इसका एडजस्टमेंट थोड़ा ऊपर करके या थोड़ा नीचे करके कर सकते हैं, इसीलिए ये दिया होता है। और ये रबर का होता है इसलिए पकड़ा रहता है। ये प्लास्टिक है फ्रेंड्स, प्लास्टिक का ये मटेरियल है, ये रबर मटेरियल है। ये पूरी आपको फिटिंग और इसका छड़ इसमें मिलेगा आपको, फिटिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी कसते वक्त वो इसमें पूरी दी हुई हैं, और ये रॉड मैं आपको जो बता रहा था बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉड होता है, ये नीचे और ऊपर दोनों बेयरिंग होती है इसमें। ये दो बेयरिंग इसमें आपके छड़ में होती है, और इसमें कहीं बेयरिंग दिया होता है बोलू भाई? चक्के में। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए एक चक्के में भी बेयरिंग होती है, तो जिस वजह से ये चलने में हल्का रहता है। अभी हम लोग इसको कस लेंगे तो आप देखिएगा चलते वक्त तो काफ़ी हल्का चलेगा। नीचे सेंटर कसा हुआ था ही कसे हैं? नहीं, ये पहले से कसा था ना। हाँ, आपका ये जो नीचे ये कमानी है, ये नीचे जहाँ पैडल कसाएगा इसमें सेंटर लगा हुआ आपको मिलेगा। बाकी जो फिटिंग है वो फिटिंग आप देख रहे हैं। इसको इसका पौधान कसते हुए कोई ध्यान देने वाली बात है तो बोलो भाई बता दें, चक्का किस साइड रहेगा? चक्का इस साइड रहेगा। हाँ, तो इधर किधर रहेगा चक्का? अच्छा, चक्का आपके इस साइड है। तो फ्रेंड्स आप देखिए जिस साइड चक्का आपका रहेगा, जैसे आपका इस साइड ये बना हुआ है ना, तो यहाँ चक्का आपका कसाएगा तो इस साइड देखिए जगह थोड़ी कम रहेगी, और इधर आपका चक्का नहीं रहेगा जिस साइड, यहाँ देखिए थोड़ा सा गैप ज़्यादा है। आप इसको उल्टा मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये वाला हिस्सा आप उधर कर देंगे तो फिर पौधान में आप जब कसेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। जिस साइड आपका स्पेस कम है, इस साइड स्पेस कम है, तो इसको इधर रखिएगा क्योंकि चक्का आपका थोड़ा अंदर रहेगा। सबके होल बने हुए हैं हर जगह, और सब में आपको नट खाली अंदर डालना है उधर से, और उस साइड दूसरे साइड से खाली आपको उसमें जो दिया हुआ है चूड़ी उसको कस देना है, उसी में पेंच में आपको नट कस देना है फ्रेंड्स। ये आपका पौधान ये एक एक साइड इधर का खड़ा हो जाएगा, एक साइड इधर खड़ा हो जाएगा। जितने भी आपके इसमें पेंच दिए हुए हैं सब एक साइज़ के हैं, सिर्फ सेंटर अलग है, यहाँ पे आपकी पैडल कसाएगी। ये आपका ऊपर का हिस्सा है, ये आपका ब्रेस हो गया, ये ऊपर लग गया, और जिसके अंदर सेंटर लगा रहेगा वो नीचे लगाएगा। जिस साइड सेंटर में जगह थोड़ी कम दी होगी ये आपके चक्का साइड में रहेगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, फिर ये पौधान आपका रेडी हो जाएगा, इसमें आपको कसने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपके दो, एक इधर पेंच कसाएगा, एक इधर, हाँ एक यहाँ पेंच कसाएगा, उसी तरह उधर है, एक ऊपर एक नीचे, दो पेंच इधर कसाएंगे आपके। बस आपको वोल्ट फ्रेंड्स अंदर रख डालना है इधर साइड, और इस साइड से जो उसके साथ आपको नट मिला हुआ है नट लगा के उसी में कर देना।
कोई साइड में अगर आपको जगह ना दिखे तो आप ये ना सोचें कि उसकी जगह बंद है, कुछ जो है कचड़े वगैरह उसमें भरे रह सकते हैं, मिट्टी वगैरह भरी रह सकती है, तो उसको साफ कर लीजिए। अपना चक्का आपको लगाना है, पैडल भी इसकी काफ़ी अच्छी और बढ़िया दिया हुआ है, कहीं से ये नहीं कि आप इसको दबाएं तो ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो, अच्छा उसका मोटा मटेरियल दिया हुआ है इसमें। अच्छा एक मिनट दिखा दो जरा सर फ्रेंड, हाँ देखिए सर फ्रेंड जिस साइड आप देख रहे हैं ये लोहे का चीज़ बाहर निकला हुआ है, इसी साइड से आपको नट अंदर डालना है इसका, अरे सॉरी बोल्ट बोल्ट डालना है। अच्छा और इसके अंदर थोड़ा सा रुकिए, इसके अंदर आपके चूड़ी बनी हुई है, ठीक है बस ये आप लगाएं इसके अंदर, तो इसमें कसते जाना है आपको। अच्छा पैडल के जो आगे के हिस्से में भी आपको एक नट लगाना है वहाँ पे, और रिंच आपको एक सलाई रिंच चाहेगी, या तो सलाई रिंच हो या इस टाइप की रिंच हो, कितने नंबर की है? 13-14 नंबर की रिंच होती है, इसी से टाइट हो जाएगा, या सलाई रिंच रहेगी जिसमें आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो तो उससे भी कसा जाएगा। इसमें भी आपका एडजस्टमेंट होता है, नीचे ऊपर सब आप कर सकते हैं, जहाँ पे आ जाए वहाँ पे नट टाइट कर दीजिए उसका। अच्छा एक बबलू अजय दिखा दें पैडल में फ्रेंड्स, एक पहले आपने नट लगाया है और फिर उसके बाद इस रॉड को लगाना है और फिर बाहर से एक नट लगा के टाइट कर देना है। फिर एक नट आपको इसमें भी टाइट कर लेना है, जैसे नीचे था पहले एक नट आपने अंदर लगा दिया और फिर रॉड उस पर लगा देना है और फिर उसके ऊपर एक नट और लगा देना है। तो बहुत आसान है, लेकिन आपको वीडियो से कुछ गाइडेंस मिले, कुछ फ़ायदा मिले, इसी उम्मीद में हम ये वीडियो बनाए हुए हैं। जो आपने नट पहले लगाया हुआ था इस पे, इसमें चूड़ी है, इसको आपको टाइट करते चलना है। इस पौधान में बेल्ट जो है आप लेदर का ही यूज़ करें, लेदर का बेल्ट यूज़ करेंगे ना तो ये पौधान काफ़ी हल्का चलेगा और मशीन भी आपकी काफ़ी हल्की चलेगी।
रॉड और टाइट हो गया सब, वो सब भी टाइट करना है आपको अपना कर लो। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा चलाओ, चलो चक्का चलाइए। अभी चलाने में फ्रेंड्स ना आप देखेंगे कि काफ़ी हल्का चलता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये टूटेगा नहीं ट्रांसपोर्टेशन में। तो आपको दूर दराज इलाके में अगर मंगाना है तो लोहे का पौधा ना आप मंगा लीजिए, और इसको कसने का ये तरीका है जिससे कसा सकता है आपका। और भारी पौधान है, 14 kg इसका वज़न है, 3 pipe का ये पौधान होता है, आप देख रहे हैं 3 pipe इसमें पूरी होती है, इसीलिए ये भारी पौधान होता है। और आपको जगह भी काफ़ी इसमें ज़्यादा मिल जाए। इंची टिप ले आइए तो बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें कोई भी टूल्स में से निकाल लें। इसमें स्पेस भी ज़्यादा इसीलिए दिया है कि अगर आप अम्ब्रेला मशीन भी इसमें चलाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, घुटना आसानी से लग जाएगा, जगह आपको पूरी मिले। हाँ ले पूरा यहाँ से ले लो तो पूरा समझ में आ जाएगा। 26 हाँ देखिए 26 पूरा 26 inch लंबाई है इस पाइप से लेके उस पाइप तक आपकी, तो जगह आपको अच्छी खासी मिलेगी। जबकि घरेलू पौधान जो होते हैं उसमें जो है जगह कम थोड़ी होती है, वो भी पौधान हम दिखा देते हैं उसमें भी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मैं घरेलू वाले पौधान की साइज आई जैसे घरेलू पौधान में भी कितनी जगह होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। दिखा क्लियर है, देखिए फ्रेंड्स ये 20 inch पूरा आपका जो घरेलू पौधान होता है इसमें पूरी 20 inch की पकड़ रहे ना, हाँ 20 inch की लंबाई होती है। और अम्ब्रेला मशीन के पौधान की जरा दिखा दें, ही लगे ये अम्ब्रेला का पौधा है जो अब वजह ये हटे तो वहाँ से मैं आपको ना अम्ब्रेला का भी दिखा देता हूँ। नीचे से लगाओ जहाँ से लगना चाहिए, हाँ ये कितना आ रहा है हाँ 24-25, 26 के अंदर ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ये 25 से 25 के आसपास पूरा पड़ रहा है। लिए रहो कोई चीज़ तो लिए रहा हूँ इसे। ये यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है अम्ब्रेला का पौधा ये, और ये आपका 25 तक ही जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ, शुक्रिया।